हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे सेकंड बुक का चैप्टर नंबर सेकंड। सो चैप्टर का नाम है यहाँ पे माइग्रेशन टाइप्स काउसेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। सो इससे पहले यहाँ पे जो बुक नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है। सो आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो बुक नंबर सेकंड है इसकी भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बन जाएगी। और इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के ये सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सभी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, इनके जो यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर नोट्स चाहिए तो बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सो नंबर गिवन है नीचे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। सो आपको ये PDF फाइल बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो सबसे पहले यहाँ पे माइग्रेशन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट बुक मैंने इससे पहले अपलोड की थी वर्ल्ड की, उसमें भी हमने ये टॉपिक किया था माइग्रेशन। ठीक है, बेसिक बातें आपको पता ही होंगी कि एक्चुअल में माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, आगे भी हम इसको करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर तो किसी कंट्री के बीच में ही होती है देन उसको इंटरनल माइग्रेशन बोला जाता है। अगर किसी कंट्री के बाहर यानी कि जो किसी कंट्री की बाउंड्री के अक्रॉस वो जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे क्या होता है। सो यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे पहले सेंसस जनगणना यहाँ पे की गई थी उसमें भी यहाँ पे जो माइग्रेशन की इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि जनगणना वाले लोग जैसे घरों में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फैमिलीज मेंबर से पूछते हैं तो तब यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ घर में कितने मेंबर्स हैं, कौन कहाँ पे है, ठीक है, कौन किसी दूसरी स्टेट में गया हुआ है या किसी दूसरी कंट्री में गया हुआ है, तो वहाँ से माइग्रेशन की जो नॉलेज है वो भी मिल जाती है सेंसस से। सो जो माइग्रेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया था पहले सेंसस से, ठीक है, इंडिया का जो पहला सेंसस यहाँ पे कंप्लीट सेंसस यहाँ पे करवाया गया था 1881 में करवाया गया था, तब यहाँ पे कंप्लीट इसकी जो माइग्रेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे की गई थी। ठीक है, सो नीचे आप लोगों ने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड चैप्टर का वो क्या है कि जो आप लोगों ने बताना है यहाँ पे जो पहला सेंसस इंडिया में किया गया था टेम्पररी बेसिस के ऊपर, ये तो यहाँ पे परमानेंट किया गया था यानी कि कंप्लीट सेंसस किया गया था 1881 में, इससे पहले भी यहाँ पे जो टेम्पररी सेंसस किया गया था वो नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, इसके अनुसार यहाँ पे जो इंडिया की माइग्रेशन की यहाँ पे गणना, ठीक है, की गई थी वो दो बेसिस के ऊपर की गई थी यहाँ पे। सो कौन कौन सी है यहाँ पे, जो फर्स्ट बेसिस है प्लेस ऑफ बर्थ। सो इसमें क्या था कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट है, जब यहाँ पे गणना की गई थी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे की गई थी, प्लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स सपोज कि किसी बंदे का यहाँ पे जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ, पंजाब में हुआ, लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो फैसिलिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा रही तो इसलिए वो दूसरी स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि वो मुंबई में चला गया, ठीक है, महाराष्ट्र में चला गया, जहाँ मर्जी लगा लो, UP में चला गया। सो वो यानी कि महाराष्ट्र में चला गया, अब यहाँ पर जो फैसिलिटी उसको अच्छी प्रोवाइड मिल रही है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे यहीं पे रहने लग गया महाराष्ट्र में। उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पंजाब में, लेकिन वो कहाँ पे रहने के लिए चला गया, वो महाराष्ट्र में रहने के लिए। ठीक है, जॉब यहाँ पे ही काम करता है, यहीं पे रहता है। ठीक है, तो अब इसकी जो यहाँ पे गणना होगी, ठीक है, जो सेंसस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होगी इसकी गणना वो कहाँ पे होगी, वो इस जगह पे होगी जहाँ पे वो एट प्रेजेंट यहाँ पे रह रहा है। क्लियर है? सो ये तो होगी पहली प्लेस ऑफ बर्थ, वो उसका जन्म कहीं और हुआ था लेकिन वो काम की तलाश में या कोई अदर रीज़न की वजह से कहीं दूसरी जगह पे रहने लग गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी पहली इन्यूमरेशन। अब दूसरी की बात करते हैं, सो सेकंड क्या है यहाँ पे, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। सो इसमें क्या है कि जो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट वो डिफरेंट है प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, मतलब कि जैसे कि अब ये जो व्यक्ति था अब ये मुंबई में रह रहा था, अब मान लेते हैं कि ये घूमने फिरने के लिए कहीं तीसरी स्टेट में चला गया, लेट्स सपोज कि वो शिमला में चला गया। ठीक है, जनगणना के टाइम वो शिमला में आ गया। ठीक है, इस टाइम में यहाँ पे जो जनगणना होगी वो कहाँ पे होगी, दिस वन। सो ये जो
पार्ट हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट, क्लियर है। और ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ। सो क्लियर है, आई होप दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ठीक है, ये क्या है। अब यहाँ पे जो सेंसस यहाँ पे किया गया था 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करा गया था जो 2001 सेंसस में हुआ था। अब 2001 सेंसस में जो टोटल पॉपुलेशन थी देश की, ठीक है, कितनी थी यहाँ पे 102.9, ठीक है, या कह सकते हो 103 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन थी। सो इसमें से जो 307 मिलियन जो केसेस थे वो कौन से थे, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के केसेस थे, ठीक है, यहाँ पे जो ये फर्स्ट केस अभी हमने यहाँ पे किया था इन दोनों पार्ट्स का, ठीक है, ये टोटल केस यहाँ पे कितने थे, 307 मिलियन या 30% आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरा केस था यहाँ पे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ये कितना था यहाँ पे 315 मिलियन या बोल सकते हो 31%, ये टोटल केस यहाँ पे देखने को मिले थे इसके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। सो बेसिकली जो माइग्रेशन होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन और दूसरी होती है यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन। सो जो इंटरनल माइग्रेशन होगी ये एक कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन देखने को मिलती है, ठीक है, लेट्स सपोज कि इंडिया में वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो ये इंटरनल माइग्रेशन आ जाएगी। और इसमें यहाँ पे चार टाइप्स देखने को मिलेंगे, पहला तो हो जाएगा यहाँ पे एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहा है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे गाँव से वो शहर की तरफ जा रहा है, तीसरा हो जाएगा शहर से शहर की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब कि छोटे शहर से वो बड़े शहर की ओर मूव कर रहा है, अर्बन टू अर्बन आ जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्थ टाइप होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अर्बन टू रूरल, मतलब कि वो शहर से गांव में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे चार टाइप्स देखने को मिलती हैं इंटरनल माइग्रेशन की। अगर तो यहाँ पे 2001 की बात की जाए उसमें जैसे कि 315 मिलियन माइग्रेंट्स देखने को मिले थे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट, लास्ट रेजिडेंस। इसमें जो 98 मिलियन जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, जब इन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज करा था, ठीक है, शिफ्ट करा था, वहीं पे जाके वो रहने लग गए थे, लास्ट 10 इयर्स का ये डाटा है, ठीक है, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। यहाँ पे मैं लास्ट में दिखा देता हूँ, जब जैसे कि वो काम कहाँ पे कर रहा है, मुंबई यहाँ पे, हाँ महाराष्ट्र में काम कर रहा है, वो कहाँ पे चला गया था, शिमला में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ही थी, घूमने फिरने के लिए गया था। लेकिन इसमें से ऐसे टोटल 315 मिलियन में से ऐसे बहुत सारे केस हमें देखने को मिले हैं जो घूमने फिरने गए थे लेकिन वहीं पर जाके वो रहने लग गए थे, ठीक है। सो ऐसे टोटल हमें कितने केस मिले, 98 मिलियन ऐसे केस मिले हैं जो किसी दूसरी प्लेस के ऊपर यहाँ पे जा रहे थे लेकिन वहीं पे जाके वो बस गए। इसमें से यहाँ पे जो 81 मिलियन है वो कौन से, यहाँ पे इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स है। सो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो जो इंट्रा स्टेट होता है वो होता है यहाँ पे जो लोग एक ही स्टेट में यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, एक ही स्टेट है वहीं से एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्टेट। अब जैसे कि पंजाब की बात कर लेते हैं, सो पंजाब की बात कर रहे हैं, सो पटियाला से लेट्स सपोज कि कोई बंदा यहाँ पे संगरूर में मूव कर रहा है, सो यहाँ पे ये दोनों जो जगह हैं ये कहाँ पे है, पंजाब के अंदर ही है, ठीक है, पटियाला से संगरूर मूव कर रहे हैं, सो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ जाएगा। जो इंटर स्टेट होता है, सो इंटर स्टेट में यहाँ पे क्या होगा, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। सो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर रखना है कि क्या होता है। सो अगर इंट्रा स्टेट की अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो यहाँ पे क्या एग्जांपल हो जाएगी, मुंबई, ठीक है। सो मुंबई में ये जो मूवमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अगर तो इंटर स्टेट की बात की जाए तो ये यूपी, बिहार, ठीक है, ये जो एरिया हो जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने के मिलेगी मूवमेंट इंटर स्टेट की। सो यहाँ पे जो ज़्यादातर माइग्रेंट्स हैं इनमें से ज़्यादातर फीमेल्स यहाँ पे शामिल होती हैं, ठीक है। सो फीमेल यहाँ पे क्यों शामिल होती हैं, ड्यू टू मैरिज, मैरिज की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस मूव करना पड़ता है फीमेल्स को वो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो जैसे इनकी मैरिज होती है, ठीक है, सो ये एक गांव से दूसरे गांव या गांव से शहर या शहर से शहर
मूव करते हैं, ठीक है। सो इसमें या तो इंट्रा स्टेट हो सकते हैं या इंटर स्टेट, ठीक है, दोनों की यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। सो इंटर स्टेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ द स्टेट से, यानी कि वो स्टेट से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी इंटर स्टेट। सो दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है, क्लियर है। सो यहाँ पे ये तो बात हो गई यहाँ पे फीमेल्स की। अब यहाँ पे जो मैन होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, सो उनका जो रीज़न होता है माइग्रेशन का वो क्या होता है, यहाँ पे वो बेसिकली वर्क के बेसिस के ऊपर जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक रीज़न कह सकते हैं, जॉब्स की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो बेसिकली ये रूरल से अर्बन में जाते हैं, ठीक है, गाँव से ये शहरों की तरफ मूव करते हैं, और ये इंटर स्टेट माइग्रेशन बेसिकली ज़्यादातर करते हैं, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में ये लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्राफ। सो ये है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और ये इंटर स्टेट माइग्रेशन। सो यहाँ पे जो ये डार्क वाला पोर्शन है ये क्या है, फीमेल्स का, और यहाँ पे जो लाइट का पोर्शन दिखाया हुआ है शेडेड पार्ट का, ये है मेल। सो यहाँ पे जो गांव से गांव जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये माइग्रेशन स्ट्रीम है, और यहाँ पे माइग्रेशन मिलियंस में दिखाया हुआ है। जैसे कि अगर गांव से गांव जो मेल मूव करते हैं वो कितना है, यहाँ पे 10 मिलियन है, क्लियर है। ये 2001 का सेंसस यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर यहाँ पे औरतों की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, तो वो कितना है, यहाँ पे 38 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल्स का दिखाया हुआ है। सिमिलरली अगर गांव से शहर की तरफ मूव करना है तो यहाँ पे भी फीमेल्स का ज़्यादा है, अर्बन से गांव की तरफ मूव करना है तो भी, ठीक है। सो ये डाटा यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली ये तो है इंट्रा स्टेट किसी स्टेट के अंदर। अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब मूव किया जाता है, ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो गांव से गांव, यहाँ पे क्या है, फीमेल्स ज़्यादा है, ठीक है। और अगर गांव से शहर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे मेल ज़्यादा है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो मेल्स होते हैं वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए जाते हैं, काम की तलाश में वो गांव से शहर की तरफ वो मूव करते हैं, ठीक है। सो इनमें से ये डाटा आप याद रख सकते हैं। सो आगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है कि ये कंट्री से बाहर, ठीक है, जो लोग मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, सो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोला जाता है। सो अगर 2001 सेंसस की बात की जाए इंडिया में, सो नियरली अबाउट 5 मिलियन से भी जो ज़्यादा लोग हैं वो माइग्रेट हुए थे इंडिया में, ठीक है, यानी कि अदर कंट्री से वो इंडिया में आए थे, 50 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 96% जो लोग हैं वो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारी आसपास की कंट्रीज हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग आए हैं, 96% लोग, और जो 4% लोग हैं वो दूर की कंट्री से हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, बांग्लादेश से कितने आए, यहाँ पे 3 मिलियन लोग आए थे, ठीक है, यानी कि 30 लाख लोग बांग्लादेश से आए हैं। पाकिस्तान से यहाँ पे 0.9 मिलियन, यानी कि 9 लाख हो जाएगा। नेपाल से 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये जो हमारी नेबर कंट्री है यहाँ से आए थे। और इसी के साथ में यहाँ पे जो 0.16 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या है, रेफ्यूज़ी। सो रेफ्यूज़ी बेसिकली क्या होते हैं कि वो जो दूसरी कंट्री को छोड़कर जो किसी और कंट्री में जा रहे हैं, सो बेसिकली उनका पर्पज़ क्या होता है कि वहाँ पे जैसे वॉर की स्थिति बहुत ज़्यादा है या उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है, सो इन वजहों के कारण वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर किसी दूसरी एरिया में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजी, उनको रिफ्यूजी बोला जाता है। सो ये जो 0.16 मिलियन ये रिफ्यूजी हैं, ये कहाँ से आए हैं, तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, इन कंट्री से इन्होंने मूव किया है, इंडिया में आए हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे एमिग्रेशन की। सो एमिग्रेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडिया से, ठीक है, इंडिया से जो किसी दूसरी कंट्री में गए हैं वो कितने, यहाँ पे अराउंड 20 मिलियन पीपल जो इंडिया से, ठीक है, कहीं दूर दूसरी कंट्री में गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन। और यहाँ पे डिफरेंस एक याद रखना कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों में क्या अंतर होता है। सो
एमिग्रेशन होता है जब यहाँ पे जो इंडिया के जो डायस्पोरा यानी कि जो प्रवासी हैं, निवासी लोग हैं जो इंडिया के, जब वो इंडिया की बाउंड्री को यहाँ से छोड़ के जाते हैं उसको बोला जाता है एमिग्रेशन, ठीक है, EMI, ठीक है। सो एमिग्रेशन बोला जाता है जब यही लोग किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पे पहुँचते हैं, लेट्स सपोज से USA जा रहे हैं, जब ये किसी दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तो इसको बोला जाता है इमिग्रेशन। सो इसको क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, सो इनके बारे में याद रखिए। सो ये इमिग्रेंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लास्ट रेजिडेंट और नेबरिंग कंट्रीज बाय इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे अफगानिस्तान 0.2% है, यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो यहाँ पे ये डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है, जो इंडिया में जिन्होंने एंटर करा है, दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो अपनी कंट्री से जिन्होंने लीव किया है, जिन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ा है, ठीक है, उनको बोला जाता है एमिग्रेंट्स। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्पाशियल वेरिएशंस इन माइग्रेशंस, यानी कि लोकल जो वेरिएशन देखने को मिलती है माइग्रेशन में, इसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जो दूसरी स्टेट्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो इन स्टेट्स में जाना पसंद करते हैं, सो इन स्टेट्स में जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से लोग ज़्यादा अपनी स्टेट्स को छोड़कर इन स्टेट्स में जाते हैं। सो जैसे यूपी हो जाएगा, बिहार, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग दूसरी स्टेट्स की तरफ ज़्यादातर मूव करते हैं। महाराष्ट्र यहाँ पे पहले नंबर पे है, ठीक है, लिस्ट में 2.3 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे गुजरात, हरियाणा, ठीक है, सो। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बात करते हैं यूपी की, यूपी में -2.6 मिलियन लोग, मतलब कि यूपी से ये बाहर जा रहे हैं, ठीक है, 2.6 मिलियन लोग, यानी कि 26 लाख जो लोग हैं वो यूपी को छोड़कर दूसरी अन्य स्टेट्स में यहाँ पे जा रहे हैं। सिमिलरली बिहार को देखा जाए तो यहाँ पे 17 लाख लोग हैं वो बिहार को छोड़कर दूसरी यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे काउसेज ऑफ माइग्रेशन। सो यहाँ पे क्या क्या कारण है माइग्रेशन के, तो ये भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो काउसेज है माइग्रेशन के, इसको दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा पुश फैक्टर, दूसरा हो जाएगा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में यहाँ पे क्या कारण है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना घर बार उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पुश फैक्टर, यानी कि उस स्टेट ने, ठीक है, उसको पुश कर दिया, यानी कि दूसरी स्टेट में उसको भेज दिया। पुल फैक्टर क्या होता है कि ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है उनको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो स्टेट से ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे पंजाब और दूसरी यहाँ पे ले लेते हैं यूपी। अब यहाँ पे यूपी में की फैसिलिटी इनको अच्छी नहीं मिल रही है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी हो जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो ये क्या करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, वो पंजाब में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये उनको सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। सो इस स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुश हो जाएगा, यानी कि इसने जो इनके मेल पॉपुलेशन है या फीमेल, इनको पुश कर दिया। कहाँ पे पुश कर दिया, यहाँ पे पंजाब में। सो पंजाब में आ गए, ये काम करने लगे, यहाँ पे इनको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, सो पंजाब ने इनको अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि पुल कर लिया, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन इस तरीके के साथ आप याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं माइग्रेंट्स, वो गांव से लेकर शहरों की तरफ ज़्यादातर मूव करते हैं। सो मेनली जो कारण होता है वो क्या कारण होता है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत बड़ा कारण है, हाई पॉपुलेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटी, इनकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जिनकी वजह से वो गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचुरल डिसास्टर्स हो गए, जैसे फ्लड,
ड्राउट की समस्या, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी क्या करते हैं, इनको पुश करते हैं, यानी कि दूसरी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मूव करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं अपनी स्टेट्स में नहीं मिल पाती। और यहाँ पे जो पुल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो खींचने वाले फैक्टर्स हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो क्या है, जो गाँव से माइग्रेंट्स शहरों की तरफ मूव करते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है। अपॉर्चुनिटी में जैसे एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ में यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, यहाँ पे काम यहाँ पे उनको मिल जाता है, और यहाँ पे जो वेजेस होती है वो भी हाई मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे पुल फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं। सो यहाँ पे रीज़न फॉर मेल माइग्रेंट्स, रीज़न फॉर फीमेल माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे वर्क देख लेते हैं हम, ये वर्क या एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे मेल का कितना है, ये 38%, सो ये वर्क 38%, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क, ठीक है, डॉटेड पोर्शन में है, यानी कि दिस वन, ये कितना है यहाँ पे 3% फीमेल का, ठीक है, जो वर्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे बिजनेस देख लेते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे बिजनेस कितना है, यहाँ पे 3% है, और यहाँ पे बिजनेस कितना है, 1% है यहाँ पे। और इसके साथ में हम यहाँ पे मैरिज देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो मेल मैरिज, यहाँ पे जिसकी वजह से उनको माइग्रेट होना पड़ता है, वो कितना है यहाँ पे, 2%। और यहाँ पे फीमेल्स का जो माइग्रेशन है वो कितना है यहाँ पे, 65%, यानी कि मैरिज के लिए जो इनका माइग्रेशन होता है फीमेल का, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, इनको ज़्यादा यहाँ पे मूव करना पड़ता है, और यहाँ पे जो मेल्स को भी यहाँ पे मूव करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं जब मैरिज हो जाती है। सो ये अभी भी होता है, लेकिन किस स्टेट में होता है ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड चैप्टर का, क्लियर है। सो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है मेल पॉपुलेशन में और फीमेल जो माइग्रेशन है, इन दोनों में डिफरेंस अलग अलग देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो क्यों करते हैं, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, सेफ्टी जहाँ पे कम मिलेगी, उस जगह से वो मूव करेंगे। कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी और सेफ्टी भी जहाँ पे उनको ज़्यादा दी जाएगी, सो उस जगह के ऊपर वो मूव करेंगे। और इससे क्या होता है कि बेनिफिट्स भी होता है और साथ में इनको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स कैसे देखने को मिलेगी, अब लेट्स सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पे लेबरर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, सो दूसरी स्टेट से और उसी स्टेट से उनको ज़्यादा लेबरर मिल जाएंगे, और काम करने के लिए उनको काफ़ी यहाँ पे लेबरर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से जो उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अब इसी के साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। सो प्रॉब्लम्स कैसे देखने को मिलेंगी, अब यानी कि जिस पर्टिकुलर रीज़न में यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उन लोगों के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने लगेंगे, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। सो ऐसे में यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने को मिलती हैं, बेसिकली जैसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक टर्म्स, ठीक है, ये सभी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगी। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट है वो क्या है, यहाँ पे रेमिटेंस का। सो रेमिटेंस यहाँ पे क्या होता है कि जो रकम यहाँ पे भेजी जाती है, जो मनी यहाँ पे पैसा भेजा जाता है किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है, लेट्स सपोज इंडिया से यहाँ पे कोई व्यक्ति यूएसए में जाता है, यूएसए में काम करता है, वहाँ से जो उसको पैसा मिलता है वो अपनी फैमिली के लिए इंडिया में भेजता है, सो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे रेमिटेंस बोला जाएगा।
सो अगर हम 2002 की बात करें, यहाँ पे इंडिया ने टोटल 11 बिलियन US डॉलर इतना रेमिटेंस उन्होंने यहाँ पे गेट किया था इंटरनेशनल माइग्रेंट से, ठीक है, जो इन्होंने इंडिया में भेजा था। सो इसके यहाँ पे बेनिफिट्स भी होते हैं। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अब यहाँ पे इंडिया के पास अगर फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है, सो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई भी अग्रीमेंट इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ करती है तो यहाँ पे डॉलर में ही पे करना पड़ता है। सो इनके पास भी अगर फॉरेन रिजर्व होगा तो इससे बहुत आसानी होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ख़रीदना पड़ेगा तो इसके ऊपर भी यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो इसमें जो मेनली यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं जो मेनली ज़्यादातर बाहर जाती हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में जाती हैं, सो इसमें पंजाब हो जाएगा, केरला, तमिलनाडु, ये मेनली कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, यानी कि ज़्यादातर जो मूव करती हैं अदर्स कंट्रीज़ में। जैसे कि पंजाब में यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, कनाडा में, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे बहुत जा रहे हैं। सो बेसिकली ये कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर मूव करती है अदर कंट्रीज़ में। सो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है इंटरनल माइग्रेंट्स की बजाय यहाँ पे बहुत कम है ये एज़ कंपेरिजन टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो इंटरनल माइग्रेंट्स कैसे वो रेमिटेंस यहाँ पे भेजते हैं, जैसे कि वो एक स्टेट से दूसरी जगह यहाँ पे मूव करेंगे, दूसरी स्टेट्स में वहाँ पे काम करेंगे, सो अपनी फैमिली के लिए वो पैसा भेजेंगे, ठीक है। सो ये बहुत कम होता है एज़ कंपैरिजन टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे मूव करते हैं। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सो रेमिटेंस का जो मेनली यूज़ इस्तेमाल किया जाता है वो फूड के ऊपर, रीपेमेंट ऑफ डेट्स, ठीक है, जो भी इन्होंने कर्जा लिया होता है, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इंपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बेसिकली इन सभी के ऊपर यहाँ पे खर्चा किया जाता है, ठीक है, वो फिर से वो पूरा सर्कल चलता रहता है, मनी का कभी भी ये रुकता नहीं है। सो यहाँ पे जो रेमिटेंस है बहुत अच्छा है, जो पुअर विलेजेस हैं जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ से भी जो लोग होते हैं वो अपनी स्टेट को दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके काम करते हैं, फिर वो पैसा अपनी फैमिली के लिए वापस इन्हीं स्टेट्स में वो भेजते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। सो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस में माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंट्रीज़ में, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम दो कंट्रीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो है यहाँ पे यूपी और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं पंजाब। सो यहाँ से लेट्स सपोज की जो मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, काम की तलाश में वो, ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, काम की तलाश में किसी दूसरी स्टेट्स में जाएंगे। लेट्स सपोज कि वो जा रहे हैं कहाँ पे, पंजाब में जा रहे हैं। सो वो पंजाब में जाएंगे, अब यहाँ पे जो इनकी पॉपुलेशन होगी मेल्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो मेल की पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यही डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे आगे देखते हैं। सो यहाँ पे गांव से जो अर्बन, ठीक है, माइग्रेशन होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। सो इससे क्या होता है कि जो एज और स्किल्ड आउट माइग्रेशन हैं गाँव से, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है रूरल जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब एक जगह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन मूव कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो मेल या फीमेल की जो पॉपुलेशन होगी वो बिल्कुल ही कम या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ था वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा, इसके बुरे प्रभाव यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी अभी मैंने बताया, दूसरी स्टेट्स में वो जाएंगे ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं ऐसी। सो यहाँ पे जो ज़्यादातर माइग्रेशन यहाँ पे देखा जाता है वो उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो यहाँ से ज़्यादातर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दोनों में जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो लोग हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एज एंड सेक्स कंपोजिशन होती है इन स्टेट्स की वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब कि वो इम्बैलेंस्ड हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सो माइग्रेंट्स की वजह से यहाँ पे सोशल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो उनके यहाँ पे सामाजिक जो भी यहाँ पे रीति रिवाज या कुछ भी उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो भी आइडियाज़ होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी वो इनको शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू
टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। सो ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो ये भी अपने आइडियाज़ वहाँ पर फैलाते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं। और इसी माइग्रेशन के कारण ही यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है, लोगों में जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सभी साथ में आते हैं। सो ऐसे में एक नया जो सोशल चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, सोसाइटी में जब अलग अलग जगह से जो लोग आकर मिलते हैं। अब इसके यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नए रिलेशन यहाँ पे स्थापित, ठीक है, यहाँ पे बनते हैं, और जो नैरो माइंडेड नैरो कंसिडरेशन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे टूट जाती है। बट इसी के साथ में यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी वजह से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, भेदभाव, वो भी बढ़ता है यहाँ पे। और इसके साथ में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि क्राइम हो जाएगा, ड्रग अब्यूज़, इनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है जब ये एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, जिनकी सोच है, ठीक है, थिंकिंग वगैरह नहीं मिलती। सो ऐसी एक्टिविटीज़ भी अक्सर देखने को मिलती हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे बढ़ रही हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस। सो ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे ये गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो इनकी वजह से यहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो भी किसी पर्टिकुलर रीज़न के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो उसका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इनके भी बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से। सो अदर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये भी लास्ट है जो देख लेते हैं। सो माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे मैरिज की यहाँ पे बात नहीं करेंगे जब भी, ठीक है, माइग्रेशन इसमें। सो इसके ऊपर यहाँ पे जो वुमेंस का स्टेटस है उसके ऊपर भी यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। अब जैसे रूरल एरियाज़ की बात करें, जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, काम की तलाश में वो किसी दूसरी कंट्री स्टेट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ्स होती हैं उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने घर में, जिसकी वजह से उनके ऊपर यहाँ पे फिजिकल या मेंटल प्रेशर बढ़ता है। और अगर दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जाए तो माइग्रेशन जो औरतों की यहाँ पे होती है, ठीक है, जब वो दूसरी स्टेट में एजुकेशन पर्पज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जाती हैं, सो इससे उनकी जो ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, जो उनके अधिकार होते हैं वो भी इनक्रीज़ होते हैं, और साथ में जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, रोल जो उनका इकोनॉमी में होता है वो भी इनक्रीज़ होता है, ठीक है। सो ये थे अदर्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ फैंटास्टिक डे।